आज पूरे देश में 1,75,000 से ज्यादा मौत कोरोना की महामारी से हो चुकी है, 1,75,000। और जिस देश में 1,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, ये हेराफेरी वाले भी इसमें तमाम आंकड़े हैं, यानी ये आंकड़ा सरकारी है, अगर इसको आप सच में देखेंगे तो ये आंकड़ा कई गुना 10 गुना भी हो सकता है। 1,75,000 लोगों की इस देश में कोरोना की महामारी से मौत हो चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना का केस बढ़ रहा है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, कोरोना से लाशें बिछी हुई हैं शमशानों में, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं क्रमवार आपको बताना चाहता हूं। 6 अप्रैल को जब इस देश में कोरोना के 96,982 केस आए, 446 लोगों की मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री जी बंगाल में रैली कर रहे थे, कूच बिहार में और हावड़ा में। 7 अप्रैल जब इस देश में 1,15,736 कोरोना के केस आए, 630 लोगों की जान चली गई, देश के गृह मंत्री बंगाल में 4 रैलियां कर रहे थे, सिंगूर में, दमजोर में, हावड़ा में, बेहला पूर्वा में, वेस्ट बंगाल के अंदर। 8 अप्रैल 2021 जब हिंदुस्तान में 1,26,789 कोरोना के केस आए, 685 लोगों की मौत हो गई, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री रैली करने में व्यस्त थे। 9 अप्रैल 1,34,000 केस कोरोना के देश में आए, 780 लोगों की मौत हो गई, देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रोड शो और रैली कर रहे थे, डोर टू डोर मीटिंग कर रहे थे बंगाल के चुनाव में। 10 अप्रैल 1,45,000 केस देश के अंदर कोरोना के आए, 794 लोगों की मौत हुई सरकारी आंकड़ों में, और प्रधानमंत्री 2 रैली कर रहे थे बंगाल के अंदर। 11 अप्रैल 1,52,000 केस कोरोना के देश में आए, 839 लोगों की मौत हो गई, देश के गृह मंत्री बंगाल में 6 रैलियां कर रहे थे उस दिन, 6 रैलियां। 12 अप्रैल 1,68,000 केस कोरोना के देश में आए, 904 लोगों की मौत हो गई, देश के प्रधानमंत्री 3 रैली बंगाल में कर रहे थे, देश के गृह मंत्री 4 रैली बंगाल में कर रहे थे। 13 अप्रैल 1,61,000 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में लिया, 879 मौत हुई, देश के गृह मंत्री 4 रैली बंगाल में कर रहे थे। 14 अप्रैल 1,84,000 कोरोना के केस देश में आए, 1,000 से भी ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच गया, 1,027 लोगों की मौत हो गई। 15 अप्रैल 2,00,000 से ज्यादा केस आए, 1,038 लोगों की मौत हो गई। 16 अप्रैल 2,17,000 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में लिया, 1,185 लोगों की मौत हो गई, और देश के गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री रैली करने में व्यस्त हैं बंगाल के अंदर। देश को आइसोलेशन में छोड़कर देश के प्रधानमंत्री जो लोगों से कहते हैं जान है तो जहान है, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं तुम भी मास्क लगाओ खुद बचो, और मैं भी मास्क लगाऊं अपने आप को भी बचाऊं और तुम्हें भी बचाऊं, जो लोग दूसरों को मास्क पहनने की देश की जनता को मास्क पहनने की सलाह देते हैं वो खुद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं, चुनाव पे चुनाव वोट मांगने की होड़ में लगे हुए हैं। और आज ये प्रधानमंत्री जी का पोस्टर देश की जनता को चिढ़ा रहा है, देश की जनता का मजाक उड़ा रहा है, और ये पोस्टर है देश के गृह मंत्री का, देश के गृह मंत्री का ये पोस्टर है। कल उन्होंने 4 रैलियां की बंगाल के अंदर,
और देश के प्रधानमंत्री इस समय रैली कर रहे हैं, 6 जनसभाएं। कोरोना के संक्रमण से देश कराह रहा है और देश के प्रधानमंत्री 6 जनसभाएं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 112 मौतें भोपाल के अंदर हुई, मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 दिखाया गया। गुजरात के लोगों से यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जहां कहीं भी रहूंगा एक पुकार लगाओगे, आपकी चीख नहीं निकलने पाएगी, मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आप कहां हैं, आप बताइए, गुजरात की जनता आपसे पूछ रही है। आप बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैं वो भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, और तब आज गंगा मैया के उस वाराणसी में क्या हालत है, यह है हरीशचंद घाट की तस्वीर, यह है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर, यह है वो तस्वीर जहां के लोगों ने मोदी जी को लाखों वोटों से चुनाव जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उस हरीशचंद घाट पे बनारस में 125,000 लाशें बिछी हुई हैं और देश का प्रधानमंत्री वाराणसी को अनाथ छोड़कर, देश को अनाथ छोड़कर, देश को आइसोलेशन में छोड़ के बंगाल के चुनाव में चुनावी रैली करने में लगा हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और मैं ट्विटर और फेसबुक पर 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उन ट्विटरिया आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बंद करो, तुम्हारे भी पड़ोस के लोग, तुम्हारे भी घर वाले इस कोरोना की महामारी के चपेट में आ रहे हैं। देश की चिंता करो, प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, ऐसे संकट की घड़ी में देश को छोड़कर आप कैसे भाग सकते हैं बंगाल, कैसे चुनाव की चिंता कर सकते हैं आप, कैसे चिताओं की चिंता छोड़कर चुनाव की चिंता में प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं, बताइए इस देश के लोगों को। हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने क्या क्या वादे इस देश के लोगों से किए हैं और आज आप क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश इस समय कोरोना से कराह रहा है और आप अपने चुनाव की रैली की चिंता कर रहे हैं। आपके लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, आपके मंत्री कह रहे हैं लोगों का तो मरने का एक दिन निश्चित ही होता है, सब ऐसे ही मर जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि पीएम केयर्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया, वो हजारों करोड़ कहां गया, वो पैसा किस काम में आपने लगाया, उस पैसे को आपने कहा था कि हम कोरोना की महामारी में लगाएंगे, उस पैसे को आपने कहा था कि हम इस देश में कोरोना से लड़ने का इंतजाम करेंगे, कहां है ऑक्सीजन बेड, कहां है वेंटिलेटर बेड, कहां है इस देश को कोरोना से बचाने की मुहिम। उस पीएम केयर्स की मैंने असलियत बताई थी, उससे 1100 वेंटिलेटर गए जिसमें से 90-95% वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं राजस्थान के अंदर। पीएम केयर्स में जो पैसा इस देश की जनता ने आपको दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से आपने लिया, चीन की कंपनियों से आपने लिया, उस पैसे में भी दलाली और भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कोरोना पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया उसमें भी धांधली और घोटाला किया गया। उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और चुनाव को लड़ने में लगा रही। आपने 10-10 करोड़ रुपए 2 साल की सांसद निधि काट ली सांसदों की, जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए थी, वो 10-10 करोड़ रुपए कहां खर्च किया प्रधानमंत्री जी आपने? 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लेते हैं आप अपने लिए, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और वेंटिलेटर उसके लिए नसीब नहीं है, उसके लिए कोरोना की एक छोटी सी गोली नसीब नहीं है, उसके लिए एक बेड का इंतजाम नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, अपने आप को गंगा मैया का बेटा, अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को मां भारती का बेटा, वो मां भारती का बेटा कहां है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के
बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आपने 6 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को क्यों बांट दी ऐसे समय में जब देश की जनता मर रही है। इस देश के लोगों का टीकाकरण कराना जरूरी था, मजदूरों का, रिक्शे वालों का, किसान का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, आपको उनका वैक्सीनेशन कराना था, उनका टीकाकरण कराना था। आप पाकिस्तान का टीकाकरण करा रहे हैं, आप कनाडा का टीकाकरण करा रहे हैं, आप पूरी दुनिया का टीकाकरण करा रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता आज शमशान में लाशों की कतारें लगाकर इंतजार कर रही है। यह है हकीकत आपकी, यह है असली चेहरा आपका। और अब तक हर बार इस देश की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आपने नोटबंदी कर दी, पूरे देश में त्राही त्राही हुई, जनता ने कहा ठीक है, नीयत साफ रही होगी, तरीका गलत था, कुछ भी कह के आपको माफ किया। जीएसटी से आपने त्राही त्राही की, लोगों ने आपको माफ किया। देश के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, लोगों ने आपको माफ किया। अपने 2 पूंजीपति मित्रों के नाम आपने इस देश को नीलाम कर दिया, देश ने आपको माफ किया। लेकिन आज गुजरात से लेके बंगाल तक, केरल तक, उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक, पूरा देश इस कोरोना की महामारी से कराह रहा है। शमशानों में लाशें बिछी हुई हैं और आज इस देश को अनाथ छोड़ के, आइसोलेशन में छोड़ के आप बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि देश का एक मुखिया, देश का एक प्रधानमंत्री ऐसे महामारी, ऐसे आपदा, ऐसे त्रासदी के समय में देश को ऐसे अनाथ कैसे छोड़ सकता है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।